रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस? ये कहानी है बनारस के अलहीपुरा गांव में रहने वाले 12 साल के गोविंद की, जिसकी बचपन में ही पढ़ाई में बहुत रुचि होती है और जीवन में लगातार सुख सुविधाओं का अभाव बने रहने के बाद भी क्लास में हमेशा अव्वल आता है। पिताजी रिक्शा चलाकर पूरे घर की जीविका चलाते हैं। माँ गृहिणी थी जिनका ब्रेन हेमरेज से देहांत हो चुका था, और 3 बहनें हैं जिसमें निर्मला दी की शादी हो चुकी है, और 2 बहनें ममता दी और गीता दी हमारा दायां और बायां हाथ बनकर हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं। गोविंद, प्रश्नोत्तर याद हो ही गए हो तो नहा लियो, हम बाल्टी भर दिए हैं। दीदी, हमारी ड्रेस कहाँ है? तुम जाके नहाओ, तुम्हारी ड्रेस कलम धो के डाल आए थे छत पे, लेकर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सर, आज हिंदी का टेस्ट है। हाँ, आज हिंदी का टेस्ट है, लेकिन उससे पहले जो कल मैथ्स का तुम लोगों ने एग्जाम दिया है उसके नंबर सुन लो पहले। तो पहला नाम है गोविंद जायसवाल। सर, इनके सबसे ज्यादा नंबर है, 20 में से 19 नंबर। बैठ जाओ। और बाकी सबके 8 नंबर से भी कम। मेरी बैंड। ज्ञान प्रकाश 6 नंबर, राधे 4 नंबर, मधु 5 नंबर। गोविंद, ये फटाफटा कपड़ा पहने घूमते रहते हो, बताते कहे नहीं हो? अरे दीदी, बाहर कोई टोकता है तो याद आ जाता है, घर पे आते ही भुला जाते हैं। टेस्ट कैसा हुआ आज? दीदी, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया हुआ, और पता है दीदी, मैथ्स में हमारे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, 20 में से 19 नंबर आए हैं। कल काहे का पेपर है? अब टेस्ट खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ खेलने। रात ना कर देना खेलते खेलते, थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है। पापा रिक्शा चला के आए, उसके पहले आ जाना। ठीक दीदी। जीवन में सुविधाओं का अभाव मुझे 12 वर्ष की उम्र में ही अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सिखाता जा रहा था। जिस उम्र में बच्चों को साइकिल चलाना और खेलना कूदना पसंद होता था, उस उम्र में मुझे अलग अलग वर्गों के लोगों को उनको उनका काम करते देखना पसंद आने लगा था। मेरा बस यही मानना था कि हर वर्ग या हर तरह के काम का अपना रेस्पेक्ट होता है, लेकिन समाज के बहुत से लोग आपका भविष्य आपके पिता के व्यवसाय से जोड़ते हैं। तू भी नहीं पकड़ पाया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। गोविंद किसके बेटे हो? नारायण जी के। नारायण जी के। क्या करते तुम्हारे पापा? मेरे पापा रिक्शा वाले, वो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा किराए पे। ए साले, गरीबों की पैदाइश, निकल मेरे घर से, जाके बाहर गरीब बच्चों के साथ खेल। मेरे बेटे के साथ खेल करके उसका भविष्य बर्बाद कर रहा है। आप अंदर जाइए। आउट आउट। ये
ये क्या था? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? सर। हाँ बेटा बोलो। सर हमको कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछना था, बता देंगे? हाँ जरूर बता देंगे, कॉपी कलम लेके आओ, बहुत अच्छे से बता देंगे। सर हमको जिंदगी के बारे में जानना था। जिंदगी? पूछो, क्या क्या पूछना चाहते हो? सर हमको कल से एक बात समझ नहीं आ रही। हम क्लास में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। और अमित मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जब कल हम उसके घर खेलने गए तब उसके पापा ने हमको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके निकाल के दिया। देखो बेटा बारिश हो रही है, आओ अंदर चल बताते हैं, आओ। देखो बेटा, जो कोई समृद्ध है वह तथा कथित ऊंचे वर्ग के लोग ये अपने बच्चों के पास और अपने घर किसी गरीब को आने नहीं देंगे। सर मगर ऐसा क्यों? वही तो मुझे जानना है। बैकग्राउंड अलग है ना बेटा, इसलिए। इस बैकग्राउंड को बदला कैसे जा सकता है? बैकग्राउंड बदलने के लिए दो रास्ते हैं। पहला तो ये, या तो तुम्हारे पिताजी कोई और काम कर रहे होते, या तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से तुम्हारे पिताजी का नाम ये समाज जाने। और दूसरा रास्ता ये है, या तो तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, और या फिर पढ़ लिख कर IAS। बिजनेसमैन बनने के लिए थोड़ा तो पैसा चाहिए ही होगा। सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये IAS कैसे बनते हैं? IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये बेटा देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। जो इसे पास कर लेता है वो समाज के सारे बैरियर को तोड़ सकता है। जब वक्त ही थपेड़े लगा रहा हो तो किसी इंसान से धक्के खाने में कैसी शर्म है? मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि मेरे दोस्त के पापा ने मुझे धक्के मार के निकाला था। सच्चाई पता चलने पर मुझे तकलीफ तो सिर्फ और सिर्फ समाज की मानसिकता देखकर हो रही थी। जिंदगी धक्के तो केवल जिंदा इंसान को ही मारती है कि अगर उनमें कुछ कर गुजर जाने का जज्बा हो तो वो उठ खड़े हों, वरना लाशों को कौन पूछता है। चल गोविंद उठ और बदल दे अपने परिवार का बैकग्राउंड। Change the background. गोविंद, पापा कह रहे थे कि 12वीं पास कर लो तो तुमको ऑटो रिक्शा दिला देंगे, तुम्हारा क्या मन है? कितनी बार चेतावनी दी है कि यहाँ रिक्शा लेके ना खड़ा हुआ करो, लेकिन तुम सालो कपार पे ही खड़े हो जाते हो यहाँ आके। सरकार जा रहे हैं। तुम 8वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ा रहे हो और ट्यूशन वाले कहाँ देते हैं इतना पैसा? यही लिए सबका मन रहा है तुमको ऑटो दिला दिया जाए। बात तो ठीक है दीदी, अब हम
महीने में ऑटो चला के ट्यूशन से ज्यादा तो हम पैसे कमा लेंगे। अब लेकिन ये ऑटो फाटो का हमको कुछ भविष्य नहीं समझ में आता है, और ट्यूशन पढ़ाने में हमको एक भविष्य नजर आता है। दीदी बेटा, अगर तुम्हार मन पढ़ाई का है तो निश्चिंत होकर पढ़ो, हम तुका पढ़ा। अरे गोविंद, तुमको पता है जब से तुमने 10वीं कक्षा से सबसे मिलना छोड़कर पूरे मोहल्ले में फर्स्ट डिवीजन से पास किया है ना, सब यही कह रहे हैं कि लड़का बहुत मन लगा के पढ़ता है, लेकिन अब घमंडी हो गया है। बेटा खूब मन लगा के पढ़ो, अरे लोगन का तो काम है कहीं ना। पापा, गोविंद बहुत मन लगाकर पढ़ता है और हमारा भी मन है कि आप इसको पढ़ाइए। हमको पता है कि आपकी हालत सिर्फ एक लोग को पढ़ाने की है, और वैसे भी हम बीए करके क्या कर लेंगे। गोविंद कुछ नौकरी कर लेगा तो घर के हालात सही हो जाएंगे। बेटा, हमारा बड़ा मन कि तुम देश की सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल या कांस्टेबल की करो। हम भी यही चाहते हैं कि आपका बेटा इस देश की सबसे बड़ी नौकरी करे और घर का बैकग्राउंड बदल दे। ये दीदी, हमको ना पढ़ाई में न्यूज़पेपर जरूरत पड़ेगी, तो कहां से और कौन सा न्यूज़पेपर बढ़िया रहेगा? गोविंद, तुमको न्यूज़पेपर की क्या जरूरत है? 5 मिनट मोहल्ले की औरतों के पास बैठो, सारी खबरें मिल जाएंगी। अरे दीदी, हम का यहां करंट अफेयर पढ़ना, हम इसलिए बोल रहे हैं, अभी मोहल्ले के न्यूज़ का हम क्या करेंगे। गोविंद, हम सुने हैं एक पेपर 3 रुपए का आता है और एक पेपर 1 रुपए का भी आता है। दीदी, अगर हम 3 रुपए वाला पेपर भी लेते हैं ना तो महीने का बना 90, और अगर 1 रुपया वाला पेपर लेंगे तो भी महीने का 30 रुपया तो बना ही। अब हम लोगों के लिए तो दोनों महंगे हैं। यहाँ चौराहे पे जो डॉक्टर साहब की क्लिनिक है उनके अभी तो अखबार आता है, एक बार उनसे बात करके देखो, क्या पता पढ़ने के बाद वो तुमको दे दे, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। आइडिया तो बढ़िया है। हम एक काम करते हैं, हम जब भी ट्यूशन पढ़ाने जाएंगे ना तो हम क्लिनिक पे बात करते हुए आएंगे। हाँ, ये सही है, बात करके देखना कुछ जुगाड़ बनता है तो, नहीं तो देख ही जाए। सुना है अच्छे आदमी है, मना तो नहीं करना चाहिए। का मुमताज, तुम्हारी मकान मालकिन बता रही थी कि तुम पढ़ाई छोड़ रही हो। ममता, जैसी जिंदगी चल रही है तुम लोगों की, हम तो कहते हैं झाड़ू को पोछा बर्तन का काम पकड़ लो दूसरों के घरों में, कम से कम कुछ तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दीदी, आप क्यों गई थी मार्केट? हमको बताई होती हम ले आते सब्जी। अरे तुम अचानक से यहाँ, हमको लगा तुमको आने में देर हो जाएगी इसलिए हम तुमका ना ही बोले। खैर ये बताओ, क्लिनिक गए थे डॉक्टर के पास, न्यूज़पेपर की बात की? हाँ दीदी, हम डॉक्टर को बोल दिए हैं कि क्लिनिक में हम सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर देंगे और हम रात में आएंगे तो वो हमको न्यूज़पेपर दे देंगे। वक्त के साथ जिंदगी तो कटती जा रही थी, लेकिन उसी गुजरते वक्त के साथ IAS बनने का जुनून मेरे सिर पर चढ़ रहा था। 12वीं में मैथ्स लेकर फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया था। हमारी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और किराए पर दिए हुए रिक्शे भी बिक चुके थे। अब घर में बचे थे हम, पापा और हमारी गरीबी के साथ IAS बन जाने की एक जलती हुई ज्वाला। वो कहते हैं ना कि हम जैसों के परिवार में लड़कियां अपना भाग्य लेकर आती हैं और हम लड़कों को अपना भाग्य खुद ही लिखना होता है, वरना लड़कों के हिस्से में आती है गरीबी, जिम्मेदारियां और कर्जा।
ये लीजिए पापा। बेटा सुना है पटवारी की जगह निकली है, मन होए तो भर दो फार्म। पापा अब हमका 15वीं तक अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे जो कहेंगे हम फार्म डाल देंगे। ठीक है बेटा, अगर पढ़ाई का मन है तो पढ़ो, कौनो दिक्कत तो नहीं है। ये पापा ये आपके होते हमको क्या दिक्कत हो सकती है। बेटा आजकल जब से शहर में ये ऑटो रिक्शा चले ला गए ना, तब से हमारे रिक्शा में कौनो बैठक नहीं है, तो यही लिए पैसा जुटाने में थोड़ी तंगी है। अरे पापा अब आप थोड़ा आराम कीजिए, कुकर से गैस निकल जाए फिर खाना निकालते हैं। ठीक है बेटा। अरे पैर बहुत पिराए लागत है। ए पापा हम क्या सोच रहे थे कि एक ग्रेजुएशन करते करते जूते की रिटेल शॉप पर कुछ भर्ती आई है, तो हम का पार्ट टाइम ज्वाइन कर लें, इससे हमारी पढ़ाई भी नहीं डिस्टर्ब होगी और किताबों के पैसों का हम बंदोबस्त भी कर लेंगे खुद से। जब परिश्रम ही जिंदगी में एकमात्र ऑप्शन हो तो आपके अपने संघर्ष में आपका अपना डेडिकेशन सबसे बड़ा साथी बन जाता है, और अगर आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है तो आपका सपोर्ट प्रकृति या भगवान किसी न किसी तरीके से करने ही लग जाते हैं। याद है उस दिन किताब खरीदने के लिए मेरे पास केवल 5 रुपये थे। गोविंद घर आना। आया मालिक। ये लो इस महीने की पगार। धन्यवाद मालिक। और हाँ दुकान जल्दी बंद करनी है, जूते अंदर करके दुकान बंद कर दे। ठीक है मालिक। पापा अरे आपको तो बुखार है। अचानक से कमजोरी लग रही है, ठीक नहीं लग रहा बेटा। बुखार की वजह से लग रहा होगा पापा आपको। आप लेटिए, हम डॉक्टर से दवा लेके आते हैं। आप लेटिए, आराम करिए। बेटा क्लिनिक में पेपर लेने जाना, तब दवा ले आना। अरे पापा काहे इतनी टेंशन लेते हैं, हम लेके आते हैं दवा। तो भाई किताबों के लिए 20 रुपया लोटा में रखे, बस वही है। अब बैठिए हम लेके आते हैं। बेटा पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा, बता देना डॉक्टर को। शुरू हो चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा। पता न चला जब मानी हाथ छोड़ा, पता न चला जब मानी हाथ छोड़ा, सीखा मैं पिता से अंदर की आग न खोना, खुद बना मैं कठोर तभी आज नहीं रोना। माँ कह गई थी तू अपने आप में सोना, कुछ करके रहेंगे हौसलों से हम सशक्त है, ये जिंदगी नरक से आज बन गई फलक है, दिमाग में है जोर मेरे दिल में जो भड़क है, बदल दिया कलम से चाहे रहते थे सड़क। गोविंद जी मालिक तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज से तुम्हारी पगार बढ़ गई है। अरे प्रणाम दीदी। आशीर्वाद है। अब कैसी तबीयत है पापा आपकी? अरे इका देख लेता तो हमारी तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाता है। अरे गोविंद पापा की इतनी तबीयत खराब हो गई, तुमने बताया का है नहीं? अब हम आपको कहा बताते दीदी, आप भी वहां बैठ के परेशान ही होती। अगर तुम अन्य सब चीजों में लगे रहोगे तो पढ़ोगे कब? सुबह क्लिनिक में झाड़ू लगाना,
खाना बनाना, सुबह से शाम तक जूते की दुकान पर काम करना, पापा की देखभाल करना, फिर आके खाना बनाना, अपने सपने पर कब काम करेगा और इस समाज से जीतेगा कैसे? दीदी, सभी के पास दुई हाथ दुई पैर और एक दिमाग दिया है भगवान ने, और सभी ने इसी से इतिहास रचा, हम भी रच देंगे। अरे हाँ दीदी, वो उदय भैया को हमारे जूते का काम बहुत पसंद आया तो वो हमारी पगार जो है ना बढ़ा दिए। अरे ये तो उतने ही है जितने पे तुमने काम चालू किया था। ये 100 रुपए की हम किताब खरीद लिए थे। जा जाके लोटे में रख दे। अरे दीदी गोविंद, तुम कह रहे थे तो ये 15वीं तक पढ़ना है, फिर तुम कुछ ना कुछ करोगे घर के लिए। हाँ दीदी वो गोविंद, अब तो तुमने 15वीं भी पास कर लिया है, तुम जब जूते का काम इतना अच्छा जानते ही हो तो अपनी दुकान काहे नहीं खोल लेते? अरे हम तेरी मदद करेंगे ना। ममता बेटा एक गिलास पानी दे दो। हाँ पापा आई। खा गोविंद, दीदी के आए से सुस्ती आ गई। पहले तो फटाफट काम करके जल्दी से जूते की दुकान पे चले जात रहे हो। पापा हमको 2 साल अभी और पढ़ना है। 2 साल और कहा है का, 15वीं के बाद भी कोई पढ़ाई होता है? हाँ पापा, पढ़ लेंगे तो बाहर कोई काम भी हमको मिल सकता है। अरे गोविंद, जब कल रात को हमने तुमसे कहा कि तुम कोई अपना काम चालू कर लो, तब तुमने काहे नहीं कहा कि तुमको पढ़ना है? क्या हम मना कर देते? आपने हमारी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया, अब हम भी अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई और काम पकड़कर आपके त्याग का अपमान नहीं कर सकते। हमको बस 2 साल के लिए पढ़ाई करनी है पापा। बेटा हमका पढ़ाई लिखाई के बारे में काम आ गया, पढ़ाया कहा है तुमका तो तुम पढ़ो। पापा हमको ये 2 साल की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है। दिल्ली? दिल्ली तो बहुत दूर है बेटा। लेकिन हमारे सपने के बहुत करीब है पापा। कब जाना है? पापा शुरुआती दिनों में हमको वहां कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, फिर बाद में हम कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। कितने रुपए? 3,500 रुपए लगेंगे। दीदी की ससुराल से वापसी का बुलावा आ गया था। पापा के बीमार होने के बाद दीदी चाह कर भी नहीं रुक पाई। शायद उस दिन मुझे महसूस हुआ कि लड़कियां एक दिन अपने घर में ही मेहमान हो जाती हैं। मेरे बेटा, इस जमीन के बिकने से अगर तुम्हारे मन की पढ़ाई हो जाती है और तुम नौकरी कर लेते हो तो ऐसी 10 जमीन खरीद ले हो। लेकिन पापा आप अरे बेटा तो पैसा की जरूरत अब है, अब जब हम तुमका अब पैसा न देब
तो ये जमीन का हम क्या करम? जब पीढ़ियों से बचाई गई जमीन एक बाप अपने बच्चे के भरोसे पर एक झटके में बेच दे, उसी वक्त जिम्मेदारियों के कंधे बदल जाते हैं। अब मैं अपने पिताजी की जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि मेरे पापा अब मेरी जिम्मेदारी बन चुके थे। पापा ने 40,000 रुपये में जमीन का एक हिस्सा बेचकर उसमें से 25,000 रुपये मुझे दिए और बाकी पैसे पैर में बढ़ रहे सेप्टिक के इलाज के लिए रख दिए थे। यार गोविंद भाई, घर पे ना पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं बन पाता है। अरे यार, ये तुम बैग टांगे क्यों खड़े हो? रख दो ना कहीं पे। हाँ। सानू भाई, हमको भी इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है कि क्या कितना कैसे पढ़ के आईएएस बना जाता है। अरे यार, सब जान जाओगे भाई, दिल्ली तो हब है यूपीएससी का, वहां तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा इतनी तो जानकारी रखता ही है यूपीएससी के बारे में कि तुम उसकी जानकारी से प्रीलिम्स की कटऑफ के आसपास तो आ ही जाओगे। अच्छा, अब ये बताओ कि कमरा अलग अलग लेना है या साथ में? मतलब कि दिल्ली में एक एक कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, तो तुम अगर बताओ अलग अलग लेना है तो हम उस हिसाब से फिर घर पे पैसे मांगे। यार अलग अलग ही रखते हैं, तो यार तुम हमारी वजह से डिस्टर्ब हो तो हमको अच्छा थोड़ी लगे। क्या भाई, लड़के लड़के लाने का पहले से प्लान करके आए हो क्या? अरे नहीं यार, क्या है कि हम 2 साल तो यहाँ तैयारी करेंगे ही, अब यहाँ रह के हम ट्यूशन भी पढ़ाएंगे और रात रात भर अगर कमरे में लाइट जलेगी आप हमारी वजह से डिस्टर्ब होंगे, ठीक थोड़ी है। चलो ठीक है, फिर रुको, हम आते हैं फिर चलते हैं ना। हाँ हाँ, वैसे घर बढ़िया बनवाया है आपने? अरे हमने कहाँ बनवाया, पापा की मेहरबानी है। जितना भी लड़का यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आता है, सब दिल्ली आता है, सब का ही हो जाता है क्या? सबका नहीं होता है, लेकिन जो तैयारी अच्छे से करेगा उसका हो जाएगा। अरे अभिनव भैया, आप यहाँ? अरे बैग वैग लिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी में? यार तुम्हारे भाग अच्छे हैं जो दिल्ली में कदम रखते हैं, यूपीएससी के मारथियों के दर्शन हो गए। अभिनव भैया दिल्ली छोड़कर हमेशा के लिए घर जा रहे हैं। पर ऐसे कैसे आप जा सकते हैं भैया बिना टीम बने? शानू, अगर हर तैयारी करने वाला इंसान डीएम बन जाए तो ये देश डीएम से भर जाए। अरे भैया, वो आप दुखी बैठे थे इसलिए मैंने बोल दिया। अफसोस, दुखी नहीं हूँ, अफसोस है उस आधे घंटे का भी जिसमें मैं पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं। पिछले 3 अटेम्प्ट की गलतियां कलेक्ट करके मैं अपने 4th अटेम्प्ट को बेहतर बना सकता था लेकिन मैंने बनाया नहीं। और यार, ये सामने खड़ा लड़का यहाँ पर तैयारी करने आया है, कम से कम उसे तो डिमोटिवेट मत करो। ये यहाँ किस उम्मीद के साथ आया हो? कौन सा सब्जेक्ट लिए हो? भैया अभी हमको इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा? देखो यार, मैं फिलॉसफी का टीचर हूँ और इस साल मेरे पढ़ाए हुए 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, तो अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा। मैंने हिस्ट्री लिया था, मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं, अगर तुम्हारा भी वही सब्जेक्ट हो तो मैं तुम्हें अपनी किताबें दे दूंगा। इस समय सब्जेक्ट तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, ना ही मेरा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, मेरा केवल और केवल फोकस अपने उद्देश्य में था। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता तो मैं प्रोफेसर बनने के लिए ट्राई करता,
उद्देश्य को हासिल करने के लिए टूल्स में इंटरेस्ट या टूल्स से प्यार होना जरूरी नहीं है। ये ऊपर वाले या प्रकृति द्वारा मुझे लक्ष्य के करीब भेजने का तरीका हो सकता है। तो कहाँ लिए हो कमरा तुम लोग? भैया अभी आज तो कमरा देखेंगे। हम अपना कमरा खाली करके आए हैं, मैप वैप सब लगा है, वही कमरा ले लो। नहीं नहीं भैया, वो कमरा ही ना सूट है, तभी आपका नहीं हुआ, मैं वहां नहीं रहूंगा। भैया हमको रहना है, कितना है किराया? 1700 रुपये किराया है, इससे सस्ता दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है चलो, वो बात हो जाएगी लैंडलॉर्ड से, चाबी तो अभी मेरे ही पास है। आप कहाँ रहते हैं भैया? बस तुम्हारे कमरे के बगल में। सानू भाई हम यही वाला कमरा लिए ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी हमको तुमको अलग अलग ही रहना है। ठीक है चलो चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ भैया चलो भाई, हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना। थैंक यू भैया, चलो भाई लोग चलो यार। ओके अब तो मुलाकात होती रहेगी, चलो सानू बाय। गोविंद, ये टिफिन वाले का नंबर है, फोन करके बोल देना दोनों टाइम खाना पहुंचाने के लिए, ठीक है? अच्छा वो भैया यहाँ पर कितने में है टिफिन और चाय? महीने के आखिर में 1600 रुपए खाने का देना है और 180 रुपए चाय का। वो हाँ वो आप कह रहे थे कि यहाँ कहीं हमको ट्यूशन बताएंगे। अरे हाँ, यहीं पास में एक अंकल रहते हैं, शायद किसी गवर्नमेंट जॉब में है, उन्हीं के बच्चे को पढ़ाना है। चलिए भैया हमारी बात कर पाते हैं। अरे 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 अरे, समय देख रहे हो, कितनी रात हो गई है, कल चलेंगे, जाओ जाकर पढ़ाई करो और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है भैया। ₹1700 कमरे का किराया, 1600 रुपये का टिफिन हो गया और 180 की चाय, मतलब 17 × 34, टोटल हो गया 3480 रुपये। यार मतलब महीने का केवल हमारे रहने खाने का ही हो पाएगा। करंट अफेयर्स की किताब भी खरीदनी है, मैगजीन भी खरीदना है, सब कैसे जुगाड़ करेंगे? एक काम करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कटौती हो सकती है। उसमें तो कटौती नहीं की जा सकती। हाँ टिफिन का हम कर देते हैं 800 रुपया और चाय का भी हाफ कर लेते हैं, तो ये हो गया 90, टोटल हो गया 8 × 7 = 15, मतलब 2590 रुपये। हाँ ये ठीक है, बाकी देखते हैं कि ट्यूशन से हमको कितना मिल जाता है, इसका हिसाब इधर लिख लेते हैं, महीने का खर्चा। अरे गोविंद चल भाई चाय पीने चलते बतरा तक। भाई यार हमारे पास समय बहुत कम है अभी, और हमको भी एक ट्यूशन देखने जाना है, तू अभी जाओ यार चाय पीने, हम किस दिन चलेंगे साथ। तो क्या आप देखने का भी मौका नहीं है क्या मेरी तरफ? भाई यार तुम्हारी तरफ देखकर हम मना नहीं कर पाते, इसीलिए यार हिम्मत नहीं पड़ी तुम्हारी तरफ देखकर बोलने की। तू अभी जाओ, हम चलेंगे ना किस दिन साथ में। चलो ठीक है तुम पढ़ो, हम जाके चाय पी के आते हैं। जिन्हें पढ़ने को दिया शुक्रगुजार हूँ मैं उनका, जिन्हें किताब है दिया और जुनून अंदर का मुझे खुद संभलने का, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका जिन्हें पैदा है किया, हर तरफ से मैं बंधा मेरे पास पैसे नहीं पर अंदर था जुनून हार मानने का नहीं, तो दौड़ा इधर उधर कोई बचत तो मिले कि पढ़ा के करूँ पैसों की भूख को फतेह।
अरे ये क्या, हाफ चाय? अरे भैया चाय हम बहुत कम पीते हैं, वो तो मंगा लेते हैं कि पढ़ाई करते वक्त नींद ना आए। अच्छा, और वो खाना नहीं लाया तुम्हारा? क्या है भैया कि रात को हम खाना नहीं मंगवाते हैं, खाना खा लेते हैं फिर पढ़ाई करते वक्त बहुत नींद आती है। चलो तुम चाय पियो, फिर इसको बाद में पढ़ाते हैं। भैया वो हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली आज खत्म कर देते। संपर्क करें। अरे भाई बधाइयां ही बधाइयां। अरे तुम यहां? अरे भाई अब तुम हमको कुछ बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या? यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी क्लियर कर दिए हो, क्या बात है। तुमको कैसे पता चला? अरे भाई आज 10 अगस्त है, मुझे पहले से पता था कि आज यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है, तो गए थे हम धर्मेंद्र भैया के पास और मैंने पूछा उनसे, क्या बात है यार शाबाश। अरे यार वो सब छोड़ो, अब सब कुछ हद तक ठीक चल रहा था तो यार हमारा वो ट्यूशन छूट गया। क्या हुआ भाई, क्या कांड कर दिया तुम? अबे तुमको यार हर बात पे कांड ही दिखता है। वो क्या है कि जहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे ना तो उनके पापा का ट्रांसफर हो गया बाहर। अच्छा, वो कहीं बाहर निकल गए। तो चलो कोई बात नहीं, ट्यूशन मिल जाएगा। अभी हम जो है अभी महिला मित्र से मिलने जा रहे हैं ना, थोड़ा हाँ ठीक है जल्दी ठीक है। अरे सुनो 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 तो। अरे ठीक है भाई। तानू यूपीएससी और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स क्लियर होने पर ये महसूस हो रहा था कि संघर्ष के बदले जिंदगी में कुछ तो बेहतर हो रहा है, लेकिन अचानक से संघर्षों का नया मोड़ आते देख कभी कभी ये लगने लगता कि कहीं दिल्ली में सर्वाइव ना कर पाने की वजह से ये वक्त मुझे वापस घर जाने के लिए तो नहीं मजबूर कर देगा। 10 से 12 अगस्त तक मैं बस पागलों की तरह इधर उधर घूमते ट्यूशन ढूंढता रहा। गोविंद एक ट्यूशन के लिए बात हुई है, कल चल के बात कर लेना ठीक है। गोविंद गोविंद कहाँ हो भाई? कह रहा हूं एक ट्यूशन के लिए बात हुई है, कल चल के बात कर लेना। थैंक यू भैया, आपने हमारी आधी टेंशन खत्म कर दी। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ हम सुने हैं कि तुम यूपी पीसीएस का मेंस नहीं देने जा रहे। हाँ भैया आपने सही सुना है। क्या हम जान सकते हैं कि आखिर मेंस क्यों नहीं देने जा रहे हो तुम? भैया अगर हमने अपने आप को किसी उद्देश्य से अटैच कर लिया है तो हम उसको अल्टरनेटिव नहीं समझ सकते ना। जहां तक हमारी समझ है हम उससे थोड़ा वीक हो जाते हैं। ठीक है ब्रदर, चलो फिर कल 4 बजे रूम पे आ जाना, चल के ट्यूशन की बात कर लेते हैं। ओके भैया, आज दोपहर को टिफिन नहीं आया था। अरे तुम तो एक टाइम टिफिन लेने वाले, उस पे भी वो टिफिन नहीं दिया। भैया एक बार जरा फोन कर लीजिएगा, हमने मिलाया था तो उठा नहीं उसका। वो छोड़ो, फिलहाल तुम मेरे रूम में आओ, मेरा टिफिन रखा हुआ है, चलो मिलके खाते हैं हम लोग। आ जाओ, उसके बाद सुबह उसको देखेंगे, हड़काया जाएगा। आओ। एशिया तथा अफ्रीका में ब्रिटेन के व्यापार और अन्य आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। हेलो, अरे गोविंद खुश रहो, कैसे हो? हम ठीक हैं दीदी, अभी बताने के लिए फ़ोन किए थे हम कि मेंस का पेपर यहीं दिल्ली में लगा हुआ है तो हम पेपर देख के घर आएंगे। वो आने जाने में टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है और खर्चा भी बैठ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, और तुम कोनो दिक्कत में तो नहीं हो? नहीं दीदी हम एकदम बढ़िया हैं। अच्छा अभी रखते हैं फ़ोन, फ़ोन में ज़्यादा पैसा नहीं है। प्रणाम। इतिहास के 48 टॉपिक हैं, फिलासफी के 41 टॉपिक हैं, जनरल स्टडी
मतलब सिलेक्शन के लिए हर टॉपिक के लिए सिर्फ हमको 1.5 से 2 दिन हैं। अरे भैया सानू के साथ। ए, पहली बात तो शानू नाम है मेरा, ठीक है? शानू। अरे छोड़ो यार, और बताओ। हमारे साथ चलने से मना करते थे ना, आवाज देखते कैसे मना करते हो। चल गोविंद, चलो फटाक से तैयार हो जा, चलते हैं बत्रा, मूवी शूवी देख के आते हैं आज। भैया आप लोग जाइए, हम चलेंगे ना किसी दिन साथ में। तो क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं, पढ़ने दो इसको। एक एक का नंबर है। अरे तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी खराब है और तुम वहाँ दिल्ली में बैठे मौज काट रहे हो। अरे जरा भी दया हो तो अपने बाप के लिए आके कुछ कर लो उनकी सेवा पानी। रेंगते हुए चल रहे हैं, रेंगते हुए। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, किसका है? गोविंद है पापा। बिटिया हमको भी गोविंद की आवाज सुननी है, आवाज बढ़ा दो, यहाँ आके बैठ के बात करो। हेलो। प्रणाम दीदी। खुश रहो, कैसन हो? ठीक है दीदी, ये बताइए पापा की तबीयत इतना खराब हो गई कि पापा क्रॉल करके चलते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, पट्टी वट्टी करके ठीक कर रहे हैं। अरे सेफ्टी कितना बढ़ गया है, डॉक्टर सजी कराने बोला है। झूठ काहे बोल रही है? अरे गोविंद तुम चिंता ना करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, और हम सब तो है ही ना यहाँ पे। अरे गोविंद सब ठीक तो है ना? चीखने की बहुत तेज आवाज आई थी। हाँ भैया ठीक है सब, वो हाँक लग गई थी ना तो अचानक से डर गए थे। आप पिक्चर देखने नहीं गए? हाँ साथ चलेंगे, वो टिकट है ना सानू के महिला मित्र लेके। ठीक है भैया जल्दी साथ चलते हैं। बिल्कुल चलो फिर, अभी तुम पढ़ाई करो मन लगाकर। हाँ भैया। गोविंद ठीक तो है? हाँ पापा, वो भी क्या करे, पढ़ाई का भार जो रहता है। 1-1.5 साल की तो बात है, पढ़ाई पूरी कर ले फिर अपने साथ ही तो रहेगा। उस अनजान नंबर से फोन आने के बाद मुझे एक नई चीज महसूस हुई कि जब लोग आपको बिना समझे आप पर अटैक करते हैं तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। लेकिन ये होगा ही होगा, इसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रास्ता है, हमारा तरीका है, हमारा उद्देश्य है। इसके लिए पूरा सेक्रीफाइस हमको ही करना है, कोई और नहीं आएगा। सामने वाले को जवाब देने और उसे कन्विंस करने से कभी कुछ नहीं सॉल्व होगा। हमें अपने एक्शन और अपने अचीवमेंट से लोगों को जवाब देना होगा। अब बैकग्राउंड बदलने के लिए मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मेहनत मेहनत और मेहनत, क्योंकि पापा और मेरी बहनों द्वारा तो अपना फर्ज निभाया जा रहा था। इस वक्त बस मैं ही अपने परिवार के लिए कुछ न कर पाकर अपने आप को अपने परिवार के लिए अपाहिज महसूस कर रहा था। तुम 8वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ा रहे हो, और ट्यूशन वाले कहाँ देते हैं इतना पैसा? यही लिए सबका मन रहा है तुमको ऑटो दिला दिया जाए। बेटा अगर तुम्हार मन पढ़ाए का है तो निश्चिंत होकर पढ़ो, हम तुमका पढ़ा। बेटा खूब मन लगा के पढ़ो। अरे लोगन का तो काम है कहीं ना कि तुम देश की सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल
या कांस्टेबल की करो। पापा हम भी यही चाहते हैं कि आपका बेटा इस देश की सबसे बड़ी नौकरी करे और घर का बैकग्राउंड बदल दे। हेलो, प्रणाम दीदी। प्रणाम। अरे दीदी, आज इतने सुबह फोन, क्या कर रहे हो गोविंद? पढ़ रहे थे। सब ठीक तो है ना दीदी? गोविंद, पापा की हालत बहुत खराब हो रही है। वो रोटी और अचार को पानी में डुबो डुबो के खा रहे हैं। सब्जी तक लाने के पैसे नहीं है यहाँ, और इधर हमारे यहाँ भी कुछ सही नहीं चल रहा, तो शायद हम वहां आकर कुछ मदद ना कर पाए। हेलो गोविंद, हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना? अगर मैं वापस चला गया तो अपने पिताजी की ज़िंदगी थोड़े समय के लिए ही बेहतर कर सकता हूँ। कोई काम करके सब्जी ला के दे सकता हूँ, लेकिन अगर आने वाले 4-5 महीने मैं खुद को मेहनत की आग में झोंक दूँ तो शायद अपने परिवार पर लगे कलंक को हटाकर बैकग्राउंड बदल सकता हूँ। हाँ गोविंद, आवाज नहीं आ रही थी। कुछ भी हो जाए दीदी, फोन मत करिएगा। अक्टूबर में एग्जाम है, अगर उसमें नहीं हुआ तो हम भी नहीं रहेंगे। गोविंद, गोविंद, हेलो। मेरी बहन वहाँ बैठी है कि पैसे वो गिनती है, तकलीफ में वो रह के मेरे बारे पहले सोचती है। कैसे तुम बताओ मैं हार मान जाऊं, फसाऊं फंदे में गला या पूरी जो लगाऊं। 3 साल बीते नया कोई नहीं है कपड़ा, 3x7 का बस एक छोटा कमरा, जिसमें होती रोज सुबह हो रही है शाम। बताओ कैसे पढ़ूं, कोई दे दे समाधान। निगेटिव थॉट से होती इरिटेशन, पसंदीदा नहीं कुछ पूरी करनी एजुकेशन। विश ना किया मैंने एक भी वैकेशन, बस लगा रहा पाने को फॉर दैट डेप्रिवेशन। जमीन पे है पैर मेरी सोच आसमान पे, घर से अपना निकला कल को बेहतर बनाने। ये बोलते पढ़ाई छोड़ दे रहे थे ताने, तो आ गया मैं दिल्ली कुछ करके दिखाने। जब उम्र 11 की थी सौगंध उस लिबास की, खेलने की उम्र में मैं जी रहा था सादगी। बदलो उनकी सोच को, ये बात है समाज की, हक है सबको पढ़ने का, ये वाक्य संविधान की। चील जैसी आंखें और चीते जैसे चाल, भी बनाए रखना तो कर करने चला क्रांति। तो ठोस रख कदम, ये बात मेरी कांटले है, जिसके काबिल तू मिलेगा पात मेरी।
मान ले। शुरू हो चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा। गोविंद ये लो, ये नोट देख लेना। अरे थैंक यू भैया, इसकी बहुत जरूरत थी हमको। अरे वो अभिनव पूछ रहा था तुमको। अच्छा कैसे हैं भैया? वो तो ठीक है, मस्त है, पापा का बिजनेस संभाल रहा है। और हाँ, तुमको मेंस के लिए शुभकामनाएं भी दे रहा था। बहुत दिन हो गए मुलाकात की अभिनव भैया से। वैसे भैया अब हम यहाँ तक पहुंचे भी हैं तो वो आप सबके आशीर्वाद से ही ऐसा हुआ है। चलो ठीक है, अब तुम पढ़ाई करो डट के, ठीक? हाँ भैया। ओके। अच्छा गोविंद। हाँ भैया। यार वो ट्यूशन से तुम्हारे फोन आया था, बता रहे थे कि तुम 2 महीने के लिए ट्यूशन बंद कर दिए हो। भैया वो मेंस का एग्जाम देने के बाद हमको गांव जाना है, बहुत दिन हो गए पापा से मुलाकात की। चलो ठीक। बैठो चलो। लेकिन ये हुआ कैसे? तुम बैठो चलो, बैठो। क्या हुआ है? हम ठीक है बेटा। आपकी तो बहुत ही हालत खराब है। नहीं बेटा ठीक है। अरे गोविंद। अरे भैया कैसा जा रहा है मेंस? बस भैया मेंस पेपर बढ़िया गया, अभी फिलॉसफी का है, देखते हैं। अरे अशोक जी एक चाय दीजिए। अरे नहीं भैया चाय नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं जरा कमरे पर, हमारा टिफिन आ गया होगा तो सीधे लंच करेंगे। चलो ठीक है। और सुनो। हाँ भैया। 3 दिन बाद तुम्हारा पेपर लगेगा फिलॉसफी का, कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भैया, ठीक है? हाँ ठीक है। दिन तो मेरे पास है बच्चे, आइदर फोकस इट और लूज इट, ये दो शब्द है बच्चे। पढ़ाई को मैं लेने लगा जैसे कोई नशे, मैं डूबा रहूं उसमें मुझको आते हैं मजे। मुझे आग में जलने से ज्यादा तपना आ गया, खुद को जला कर मैं राख कर रहा सपना आ गया। मंजिल को ना भूल पाऊं ये सदमा आ गया, उसके बिना लगे जैसे कोई दफना के गया। और तुम्हारे सारे पेपर बढ़िया हुए? हाँ सर बढ़िया गए थे, भूगोल में प्लेटून डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा बहुत। भैया मेंस के सारे पेपर बढ़िया हुआ है, आज रात तो हम जरा गांव निकल रहे हैं, बहुत दिन हो गए घर नहीं। चलो यार वेरी गुड, चलो फिर हैप्पी जर्नी। थैंक यू भैया। अरे गोविंद सुनो, ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी बराबर करते रहना, ठीक है? चलो ओके, बहुत मेहनत की लगता। मैंने पिछले 3-4 दिनों में अपनी पूरी जान पढ़ाई में इस कदर झोंक दी थी कि 72 घंटे लगातार मैं पढ़ता ही रहा। दिन रात खाना पानी सब कुछ भूल चुका था मैं। आज 3 दिन बाद मैं खाना खाने के लिए बैठा था,
मेरी आंतें इतना सूख चुकी थी कि 3 दिन बाद रोटी का एक निवाला भी मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा था। मैं किसी तरह बस खुद को संभाले जा रहा था। प्रणाम पापा। अरे गोविंद बेटा। हाँ पापा, आप हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास का है बेटवा, वहां तो बहुत पैसा लागत है। पापा हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आपके पैरों की सर्जरी होनी है आज। आइए। सुन्न करने वाला इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो हमको ऐसे ही करनी पड़ेगी उनके पैरों की सर्जरी। डॉक्टर साहब, हमारे पास बस आपकी फीस और दवा भर के ही पैसे हैं। थोड़ा सा कट जाने पर कितना दर्द होता है? बिना सुन्न का इंजेक्शन लगाए उनके पैरों की सर्जरी करेंगे तो कितना दर्द होगा, इसका अंदाजा है तुम्हें? अरे डॉक्टर साहब, अब रोज रोज की दर्द झेलने से अच्छा है कि एक दिन थोड़ी ज्यादा दर्द झेल ली जाए। आप सर्जरी कर दीजिए, हम अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, बुलाइए उनको। प्रणाम दीदी। कैसे हो, पेपर कैसा हुआ? दीदी, अगर हमको इससे ज्यादा पढ़ना पड़ा ना तो हम मर जाएंगे। गोविंद, ऐसे परेशान नहीं होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम भी ऐसे परेशान होने लगे तो पापा का कौन ध्यान रखेगा? दीदी, टाइम मिले तो घर आइएगा। अभी हमको कुछ दिनों में वापस दिल्ली निकलना। ठीक है। पापा, उठिए, दवा खा लीजिए। ले लीजिए। बेटा, तुमका दिल्ली तो फिर जाएगा पड़ी। अब ही तुमका दिल्ली गए 2 साल तो भया नहीं है। आप हमारी चिंता ना करिए, अब दवा खाइए, अब थोड़ा ठीक हो जाइए। अरे बेटा, हमार घाव 2-4 दिन में भर जाइए। अब तुम ना दिल्ली जाए की तैयारी करो। ठीक है, लेकिन आप पहले दवा खाइए और थोड़ा आराम कीजिए, नहीं तो दवा का असर नहीं करेगा। लेटिए पापा। ठीक है बेटा, अब तुम्हें जाके आराम करो, तुम्हें का दिल्ली जाएगा है ना। आप लेटिए। ठीक। सर्जरी के वक्त पापा के मुंह से दर्द के मारे निकली वो चीख मेरे कानों में बार बार सुनाई दे रही थी। मुझे अब समझ आ गया था कि अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास बस 3 से 4 महीने ही हैं, और पापा के ज़रा सा ठीक होने पर ही मैं दिल्ली वापस चला गया। गोविंद। हाँ भैया। जहाँ तुम ट्यूशन पढ़ाते थे यार, वहाँ कोई और पढ़ाने आ गया है। एक नया ट्यूशन मिला है, वहाँ चल के बात करा देते हैं तुम्हारी। कब तक चलना है? शाम को चलते हैं। वैसे ये
पुराने पेपर्स को लेकर क्या कर रहे हो तुम? अरे भैया ये वो जो यूपीएससी का हम मेंस दिए थे ना, हाँ? उसमें हमने 20 गलतियां निकाली हैं, अब हमको अगले अटेम्प्ट में ये गलतियां नहीं करनी है। क्या मतलब? तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा? अरे भैया भरोसा है, हो जाएगा, लेकिन अगर रैंक ठीक ना आई ना तो उसके लिए तो अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना भैया। अरे यार तुम्हारा जज्बा देखकर तो ऊपर वाला भी तुम्हें सपोर्ट करने आ जाए। भैया आप भी ना। चलो तो फिर शाम को नीचे आ जाना, ट्यूशन की बात करने चलते हैं। ठीक है भैया। ठीक। मेंस क्लियर हो चुका था, अब इंटरव्यू और अगले प्रीलिम्स के लिए मैंने अपने आप को एक संक्षिप्त रूप दे दिया था। एक कमरे से ट्यूशन तक और ट्यूशन से वापस कमरे तक ही मेरा आना जाना था। हेलो। हाँ सानू भाई। हाँ बोल भाई। यार इंटरव्यू की डेट आ गई हमारी। अरे वाह बहुत बहुत बधाइयाँ यार। थैंक यू यार, लेकिन यार हमको थोड़ी मदद की ज़रूरत है तुमसे। हाँ बोलो भाई। यार सानू भाई इंटरव्यू देने जाने के लिए यार हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना कपड़े हैं ना जूते हैं ना टाई है ना बेल्ट है। देखो भाई कपड़े तो तुम्हें अपने ही बनवाने पड़ेंगे, वरना इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि मांगे कपड़े हैं, और जूते टाई तुम मुझसे लेना, वो पता नहीं चलेगा। ठीक है थैंक यू यार। अरे यार इतने संघर्षों के बाद तू यहाँ पहुँचा है भाई, तो इतनी हेल्प करना तो बनता है ब्रदर। ठीक है भाई अभी हम फोन रखते हैं, जरा घर पर बात कर लेते हैं एक बार। ओके भाई बाय। यार ये इतना बड़े शहर में भी टाइम बाय टाइम लाइट चली जाती है। हेलो। प्रणाम दीदी। खुश रहे, कैसा है तू? ठीक है दीदी। वो दीदी वो इंटरव्यू देने जाने के लिए हमको भूसट और पैंट खरीदना है, उनके लिए 2000 रुपये मिल जाएंगे क्या दीदी? 2000 रुपये तो हैं, लेकिन वो तो अल्ट्रासाउंड और दवाइयों के लिए रखे हैं, लेकिन अगर उसे पैसे नहीं देंगे तो उसकी इतने सालों की तपस्या बेकार हो जाएगी। दीदी। हाँ नंबर भेज देना किसी का, मैं भेज दूंगी पैसे। दीदी आप अगर ना होती तो हम कहाँ करते? पैसे कट रहे होंगे फोन में, इस बार आना तब मुलाकात होगी। अरे गोविंद कहाँ इतनी जल्दी में, इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू बढ़िया हुआ भैया, अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं, हम बाद में मिलते हैं। अरे सुन तो। अरे मिलते हैं भैया। गोविंद इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो अभी तो तुम केवल 22 साल के ही हो, और भी मौके हैं तुम्हारे पास, तो आगे भी एग्जाम दोगे? मैडम जिंदगी में नेगेटिव अप्रोच तो रही नहीं, और ये सफर जो 1.5 साल का था फाइनली आप लोगों से मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा। और मैडम गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल का एड्रेस लेकर चलने की हमारी आदत नहीं, तो यहाँ तो अच्छा लगा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाऊँ। तुमसे कितनी बार बताया है कि अपना कूड़ी भाड़ा लेके रोड पे मत बैठा करो, समझ में नहीं आता तुम्हारी?
है? वसूली के नाम पे एक रुपया नहीं निकलता है तुमसे, बस सामान रख के रोड पे बैठ जाओ, चलो अंदर करो। इनके लड़के ने भी आईएएस का इंटरव्यू दिया है, अगर बन गया ना आईएएस आईपीएस तो तुमको ब्याह सहित वसूली देगा। अरे गोविंद भाई, आज से तुम्हारे सारे कलेश कट गए भाई। क्या हुआ भाई, ऐसे काहे बोल रहे हो? अबे यूपीएससी क्लियर कर दियो भाई, तुम आईएएस बन गए, आईएएस ऑल ओवर इंडिया 48वीं रैंक आई है तुम्हारी, और तो और हिंदी माध्यम से तीसरा स्थान आया है तुम्हारा। किया वो एक सपना था, पूरा कर दिखाना एक मकसद है, सपने मेरे ऊंचे दिखी मंजिल है, पुराने रहते साथ जो विश्वास उनके अंदर है, पूरी दिल्ली की सड़कों का भाव में है छाना, स्ट्रगल को है मैंने फिर से गॉड अपना माना, पूरे भारत के कोने कोने में है। कैसा है गोविंद? स्टूडेंट्स तक मोटिवेशन मैंने है पहुंचाना, शुरू हो चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू। बैकग्राउंड बदल दिया दीदी, शुरू हो चुका है ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा शुरू हो चुका है, ये तमाशा, ये तमाशा। Change the background, change the background, change the background, change the background, ground, 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 ground. पापा प्रणाम, आईएएस बन गए हम पापा। अरे बेटा तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गए। हाँ पापा। बहुत अच्छा बेटा, बेटा अब तुमका नौकरी ही आसे पास करे पड़ी या कहूँ दूर जाए पड़ी? ठीक है पापा। कैंसर मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, हो सके तो हमें माफ कर दे। बेटा कब कांस्टेबल से बड़ी कोनो सरकारी नौकरी होते का? आ पापा। अरे आईएएस साहब बहुत बहुत बधाई, आज आईएएस बनकर अपने पिताजी के नाम के साथ साथ शहर का नाम भी रोशन किया। थैंक यू सर। कल अखबार की हेडलाइन होनी चाहिए, रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस।